और ये लगाई मिस्टर सिंह ने छलांग। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और भगवान की दुआ से हम सब भी बहुत अच्छे हैं। सो आज हमारी सवारी जो है वो निकल पड़ी है GCA क्लब हाउस, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का क्लब है ये, जहाँ का छोटा सा टूर हम देंगे आज आपको। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि वहाँ पे रणजी मैच के जो प्लेयर्स हैं उनकी प्रैक्टिस चल रही थी, तो बायो बबल बनाया हुआ था, तो जितना कवर कर पाया उतना आपके साथ शेयर करते हैं। सो ये है GCA क्लब हाउस की मेन बिल्डिंग जहाँ हम अभी एंटर करने वाले हैं, और ये है सरदार पटेल स्टेडियम, सामने ही है। इसका भी व्यू मैं दे देती आपको, बट वो बायो बबल बनाया हुआ था तो हमने भी प्रोटोकॉल को फॉलो किया, तो रिक्वेस्ट नहीं की किसी से कि हमें वहाँ मतलब जाने की परमिशन मिले। सो नेक्स्ट टाइम अगर मौका मिला तो ज़रूर आपको दिखाएंगे। द क्लब हाउस डेवलप्ड बाय गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन GCA, एंड ये है इनका हॉल, और हॉल से ही आपका लगा हुआ रेस्टोरेंट है। एंड ये प्लेयर्स हैं जो सारे गेम वगैरह खेल के शायद वापस जा रहे हैं, और ये कॉरिडोर के थ्रू ही सब कुछ है। यहाँ पे सबसे पहले है आपका थिएटर हॉल यहाँ के क्लब मेंबर्स के लिए। वाओ, काफ़ी अच्छा था, मतलब छोटा सा और क्यूट सा, और ये वहाँ के क्लब मेंबर्स के लिए है मूवी थिएटर। एंड इसके बाद हम गए लाइब्रेरी। ये है वहाँ की लाइब्रेरी, अभी वहाँ पे बुक वगैरह नहीं रखी गई है, मतलब अभी ये दिसंबर में ही इसका इनॉग्रेशन हुआ है, अभी दिसंबर में ही ये स्टार्ट हुआ है। सो अभी बहुत कुछ वहाँ पे देखा हमने कि मतलब अभी बहुत सारे वर्क अभी कंप्लीट नहीं है, जैसे वर्क तो कंप्लीट है बट उसको अच्छे से मतलब मैनेज करना है, मतलब बुक लाइब्रेरी में बुक और ये सारी चीज़ें। ये कार्ड्स रूम था वहाँ पे, ये भी मतलब अभी कुछ अधूरा अधूरा सा ही है, तो अभी वहाँ के लोगों ने बताया कि अभी थोड़ा और टाइम लगेगा इसे मतलब कंप्लीट होने में। और ये पूल रूम था वहाँ का, जिन्हें पूल का शौक़ है उनके लिए तो भाई ये जन्नत ही है, बहुत ही अच्छा लग रहा था ये, मतलब ये पूल का जो माहौल था शाम, अभी तो यहाँ पे कोई नहीं है पर शाम होते होते तक यहाँ पे काफ़ी प्लेयर्स थे, आ गए थे। और ये है बैडमिंटन कोर्ट, टीटी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपना हाथ भी आजमा लिया, मैंने कहा चलो भाई मौके पे चौका मार ही लेते हैं, सो थोड़ा सा खेला भी मैंने, अच्छा लगा काफ़ी, काफ़ी टाइम के बाद मैंने मतलब बैडमिंटन उठाया था और मज़ा आया। कभी और मौका लगेगा तो आऊँगी मैं ज़रूर। और ये स्क्वैश कोर्ट, यहाँ पे स्क्वैश की प्रैक्टिस होती है, यहाँ पे भी अभी कोई था नहीं, मतलब हम काफ़ी जल्दी पहुँच गए थे तो ये अच्छा ही था, मैं आपको अच्छे से टूर दे पा रही हूँ। और ये है जिम, वहाँ का जिम था ये, ये भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बड़ा था और ट्रेनर वगैरह भी थे और काफ़ी लोग अपना जिम वगैरह कर भी रहे थे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अंदर नहीं गई कि भाई प्राइवेसी मेंटेन रहे सबकी। सो कुछ ऐसा है वहाँ का जिम, GCA क्लब हाउस का। म्यूज़िक वगैरह लाउड थी इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर आवाज़ जाए। और ये मिस्टर सिंह ने शूट किया है भाई, ये बॉयज़ उसका सोनाबाद, स्टीम रूम, लॉक रूम वगैरह वगैरह सब वहाँ का। ये काफ़ी अच्छा है, मतलब ये मुझे अच्छा लगा, थक हार के सारे गेम वगैरह प्ले करके थक हार के जब आप वापस जाओ तो एक स्टीम बाथ ले लो या सोना बाथ ले लो, फ्रेश हो जाओ बिल्कुल। तो ये कुछ ऐसा था वहाँ पे। एंड ये टॉयलेट्स एंड शावर रूम
ये आपका लॉक रूम। एंड देन हमारा फेवरेट प्लेस स्विमिंग पूल एरिया। विशु आपको स्विमिंग करनी है? हाँ? स्विमिंग करनी है? हाँ। यस चलो सिखा दूंगी मैं आपको बहुत जल्दी। मम्मा विशु वॉक करते करते, पापा स्विमिंग करते करते। कम ऑन डैडी कम ऑन। वहाँ पे अंकल है जाओ। वो क्या करना है भाई? मम्मा आपके कपड़े ही लेके नहीं आई विशु। भाई मम्मा से गलती हो गई, विशु आपके कपड़े लेके नहीं आई मम्मा। और पानी भी बहुत कूल है, देखो पापा क्या कह रहे हैं। पानी देखो बहुत नहीं, बेबी नहीं जा सकते बेटा इस पूल में, बिग पूल है। मैं कल मॉर्निंग में लेके आऊंगी आपको। छोटा वाला पूल कहाँ नहाना है आपको? चलो दिखाओ मम्मा को कहाँ नहाना है आपको। इसमें नहाना है ये बेटा, ठंडा पानी है, बहुत कूल पानी है। पानी टच करो जरा, पानी को, पानी को टच करके देखो, टच करो, हैंड से टच करो, हैंड से टच करो विशु। अच्छा बिग पूल में नहाना है? ओ बाबा ये देखो कितना सारा पानी है इसमें। लेकिन यहाँ पे कैसे नहाना है? ये बेबी पूल है, ये बेबी पूल है, बेबी पूल में नहाना है विशु को। जाबिनी का पूल है। सारे पूल आपके ही हैं? मॉर्निंग में लेके आएगी मम्मा आपको। ओके हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज अच्छा ठीक है भाई, आप नहीं दिख रही हैं। अब विशु उधर खेल रहे हैं और हम लोग आज आए हुए हैं सरदार पटेल स्टेडियम के क्लब में, और बहुत ही खूबसूरत क्लब है। और आई एंजॉयड माय स्विमिंग मैंने की, और इनको लगा कि कोई होगा नहीं, कोई लेडीज़ नहीं होगी, दैट्स व्हाई वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम लाई नहीं, और इसीलिए इनका मिस हो गया। और मुझे ये भी नहीं पता, हमको नहीं पता था कि किड्स का भी स्विमिंग पूल है। सो बाय मिस्टेक विशु ने बहुत परेशान, मतलब परेशान हुआ कि उसका मुझे नहाना है। भाई बहुत खूबसूरत लग रहा है, शाम हो गई है, लाइट्स ऑन हो गई है और हम लोग पानी के किनारे बैठे हुए हैं। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। सारे क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी बाइंड अप करके, मिलते हैं आपसे फिर थोड़ी देर में। विशु पापा हेलो,
और विशु कहाँ जाएगा? वाह, यस, इट्स लिटिल बिट टफ फॉर विशु, बट ले विशु कर रहे हैं, वाह विशु वेरी नाइस बेटा, ये वाव, उधर से विशु, और ये एरिया भी काफी अच्छा था, हमें थोड़ा लेट पता चला, अदरवाइज विशु और एंजॉय करता, किड्स के लिए प्ले एरिया ये भी अच्छा था, विशु ने काफी एंजॉय किया। मम्मा आ रही है, विशु ने देखो मुझे लगा बहुत टफ है, अब विशु लेफ्ट साइड, विशु इधर से, हाँ हाँ, अरे इसमें से निकल के आएगा विशु? नहीं अभी नहीं आया, चलो चलो मम्मा भी आ रही है, तो मम्मा भी चल रही है, ये बहुत मजेदार था, लेकिन विशु अभी नहीं आ पाएगा, काफी अंदर है, विशु एक मिनट, नो 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 नो, चलो विशु 1 2 3 और ये वहाँ का रेस्टोरेंट एरिया जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया बट अंदर से नहीं दिखाया था, सो यहाँ पे हम डिनर वगैरह करके ही घर आए थे, मैंने कहा सब ट्राई किया है तो डिनर क्यों नहीं, और डिनर भी काफ़ी अच्छा था, मतलब कुछ ऐसा हैवी नहीं था बट अच्छा था, मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये था आज का हमारा व्लॉग, होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।